हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है मेरे एक और ब्लॉग में। आज हमारा डे 5 है गाइस। अभी हम निकल चुके हैं लेह से। ये आप नीचे देख रहे हैं, ये सारा लेह है। और अभी हमें यहाँ पे रुकने पड़ा। एक्चुअली मैं आइडिया नहीं था कि यहाँ पे परमिशन भी लेनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप विदाउट परमिशन जाएंगे तो आपका फिर वहाँ पे चलान भी हो सकता है। तो इसीलिए जब भी आप आए यहाँ पे तो एक बार अपनी पर्ची बना लें परमिशन के लिए, फिर आप टेंशन फ्री होकर के आगे जा सकते हैं। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। ओके सो गाइस, हो गया हमारी परमिशन अप्रूव। गाइस अभी हम लोग खारदुंगला पास से सिर्फ और सिर्फ 12 किलोमीटर दूर हैं, और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ना, वैसे वैसे ऑक्सीजन लेवल मेरा कम होता जा रहा है, और मैं बोल कुछ और रहा हूँ, सुन कुछ और रहा हूँ, कुछ कर कुछ और रहा हूँ, लेकिन ब्लॉगिंग अच्छी कर रहा हूँ। तो गाइस अभी हम पहुंच गए खारदुंगला टॉप में, और ये दुनिया का सेकंड हाईएस्ट टॉप है। वाओ गाइस, जय भोलेनाथ। वो देखिए ऊपर शिव भगवान का मंदिर, और यहाँ पे टावर लगा है, इट मीन्स यहाँ पे सिग्नल भी प्रॉपर है। और देखिए भारत का झंडा, कितने सारे लोग हैं जो यहाँ पे पिक्स ले रहे हैं, और ये जस्ट एक ड्रीम प्लेस है। तो गाइस अब हम निकल रहे हैं अपने तिरंगे के साथ, एंड अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। सो गाइस अभी हम ले रहे हैं ड्रोन शॉट। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं खारतुंग गांव में। चारों तरफ का नज़ारा एकदम, आप देखेंगे तो रुखी सुखी आपको यहां पे पहाड़ियां दिखेगी। वो सामने देखो, दूर दूर जा कर के आपको घर दिखाई देंगे, वहां लोग काम कर रहे हैं, और ऊपर जाकर के टॉप में बर्फ की पहाड़ियां आपको दिखाई देगी। और यहाँ पे ड्राइविंग करने का मजा ही आ गया। इस रोड पे बहुत अलग अल्टीमेट एक्सपीरियंस था, और मैंने काफ़ी स्पीड देके भी रखी थी, क्योंकि मैं अब चाहता हूँ कि कम समय में पूरा स्टेट को कवर किया जाए, क्योंकि मेन जो है अपना लक्ष्य बस यही है कि मुझे पैंगोंग लेक में जाना है, और वहाँ पे बस कुछ ड्रोन शॉट और कुछ सेल्फी लेनी है अपने नेशनल इंडियन फ्लैग के साथ, और बस फिर उसके बाद वापस अपने घर की ओर निकल पड़ेंगे। एक भसड़ हो गई है। वो भसड़ ये है कि हमें आइडिया नहीं था ब्रेक का, कि उसके ब्रेक पैडल में कुछ दिक्कत है। और गाइस अभी भैया गए हैं ब्रेक पैडल लाने, एंड तब तक हमने सोचा कि कुछ खा लिया जाए, तो यहाँ पे मैगी बना रहे हैं हमारे कृष्णा भाई। तो गाइस भाई ने मैगी रेडी कर दी है, बहुत अच्छी लग रही है, ऊपर से बूंदी भी डाली है, प्याज टमाटर सब कुछ है, बस सॉस थोड़ी सी कमी है, कोई बात नहीं चला लेंगे काम। अगर मैं ना होता ना तो आदमी भूखा मर जाता गारंटी है। कितनी कितनी गलत बात की, हर एक चीज का अपना श्रेय देता है। ये नहीं समझता कि अगर मैं बर्गर नहीं आता तो ये कच्चा होता कर। भाई मान लेगी आधा आधा है सब कुछ। भाई लाइफ भी ऐसी होती है, देखो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सब कुछ सिर्फ हम ही कर सकते हैं ना। हर एक इंसान इस दुनिया में एक दूसरे पे डिपेंड है, तो ईगो रखने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ऐसे हंसो मुस्कुराते रहो, है ना, जिंदगी मजे लुटाते रहो, और मैगी खाते रहो। मैगी खाते रहो। देखो कितना अच्छा नजारा है, वहां पे सूरज ढल रहा है और हम यहाँ पे फैल करके बैठे हुए हैं। ये मैं डिकैथलॉन की एक चेयर लाया था, तो थोड़ा अच्छा ज्यादा रिलैक्स फील कर रहा हूँ खाते खाते। हाय गाइस,
सो आज हम नोब्रा वैली में ही रुके हैं एंड यहाँ पे हम टेंट के अंदर स्टे कर रहे हैं। ये रहा कृष्णा जो अभी एडिटिंग में लगा हुआ है और ये टेंट का कुछ एरिया है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस लाइट के ज़रिए। तो यहाँ रख देता हूँ मैं। तो बस आज का व्लॉग तो खैर यही है, बाकी अभी कल हम डिसाइड करते हैं कि हम जाएंगे कहाँ पे। शायद हम मंडी भी जा सकते हैं, शायद हम वो क्या कौन से है जहाँ से पाकिस्तान दिखता है, हाँ तुरतुक भी जा सकते हैं, या फिर हम वहाँ भी जा सकते हैं पेंगोंग लेक। तो अभी देखते हैं कि कल सिचुएशन क्या बनती है, क्योंकि प्रॉब्लम आ गई है जो गाड़ी की जो ब्रेक शू है वो घिस गया है, वो यहाँ पे मिल नहीं रहा है, वो सिर्फ ले में मिलेगा। तो अब हम वापस नहीं जाना चाहते। वैसे बात तो की है किसी से, आई होप कि कल जो ब्रेक शू है वो उसका इंतज़ाम हो जाए, क्योंकि अभी टेम्प्रेरी जुगाड़ तो कर दिया है वैसे जो मैकेनिक था, तो उससे लगभग हम 200 किलोमीटर अराउंड जा सकते हैं। तो लेट्स सी, कल आपको बताएंगे एंड सुबह बताता हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। वैसे ठंड इसके अंदर लग नहीं रही टेंट के अंदर, और हाँ और अच्छा एक्सपीरियंस है। तो थैंक यू सो मच, बाय।